शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कासगंज से है, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत की सूचना है। करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे थे सभी श्रद्धालु। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एटा के जैतरा क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं। पटियाली क्षेत्र के गढ़ई गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां चीख पुकार मच गई। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी तक की जानकारी यह है कि 15 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल ये सभी लोग माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नदी में पलट गई और इसके चलते दर्दनाक हादसा हुआ। 15 लोगों की जान चली गई और 30 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एटा के जैथरा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं सभी लोग, जो कि गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। गढ़ई गाँव के पास से हादसा हुआ। और इस बीच आपको ये भी बताएं कि कासगंज हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। जो घायल हुए हैं लोग, उनको 50,000 रुपए की मदद दी जानी है। हमारे सहयोगी अजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट हादसे को लेकर? बताया जा रहा है कि 15 लोगों की जान चली गई और 30 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। आपको बता दूं, ये पूरा मामला कासगंज जिले के दरियागंज स्टेशन के पास का है। बताया जाता है जैतरा क्षेत्र के जो एटा जिले में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले करीब 40 से 45 लोग ट्रैक्टर में सवार होकर जो है गंगा स्नान करने के लिए कासगंज क्षेत्र में जा रहे थे। तभी अचानक जो है तेज रफ्तार जो ट्रैक्टर था सड़क किनारे बने तालाब में पलट गया, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य लोगों की भी तलाश भी की जा रही है और ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। लगातार वहाँ रेस्क्यू जारी है, क्योंकि गहरे गड्ढे में होने के कारण अभी तक ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है कि कितने लोग अभी निकल चुके हैं और कितने लोग अभी और निकल सकते हैं। जी, जिला प्रशासन क्या ये मान सकते हैं कि मरने वाले जो लोग हैं उनका आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है, इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। क्या लगता है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्योंकि जहां जिस तालाब में ट्रैक्टर गिरा था वो गहरा तालाब है, उसमें लगातार रेस्क्यू जारी है। हो सकता है उसमें अन्य लोग भी और निकल आए। जो लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी भी मौत की सूचना जो है आशंका जताई जा रही है, उनकी भी संख्या बढ़ सकती है। जी, किसी चश्मदीद से, किसी घायल से कोई बातचीत हो पाई है अजेंद्र, जो कि बता पाए कि हादसा कैसे हुआ और उस वक्त जब ये हादसा हुआ कितने लोग ट्रॉली में सवार थे? ये जानकारी जो मिल रही है सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि 40 से 45 लोग, बता तो रहे हैं 50 से अधिक लोग थे, लेकिन 45 से 50 लोग उसमें जो बच्चे महिलाएं पुरुष भरे हुए थे। हाँ। और वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार की होने की वजह से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जो तालाब था उसमें पलट गया था। जब ये हादसा हुआ है तो वहाँ मौके पर जैसे ही घटना हुई चीख पुकार मच गई। लगातार आसपास के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे। जेसीबी जो बुलाई गई, पुलिस फोर्स भी मौके पहुंच गया, जिलाधिकारी एसपी मौके पर बताया जा रहा पहुंचे हैं। तो वहाँ रेस्क्यू अभी चल रहा है। अभी जो ये जानकारी मिली है वहाँ करीब 15 लोगों की मौत की सूचना है, डेड बॉडी जो मिली है, और करीब 30 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, उनको अस्पतालों में भर्ती अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अभी रेस्क्यू चल रहा है। अब रेस्क्यू में कितने लोग और निकलते हैं, कितने बच्चे, इसमें बताया जा रहा है 7 से 8 बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। इस तरीके की जो घटना है वो लगातार अभी रेस्क्यू चल रहा है। बने रहिए अजेंद्र, लौटेंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। एक बार फिर से दर्शकों को एक खबर पूरी बता देते हैं विस्तार से। कासगंज में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और जैसा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं से भरी ये ट्रॉली थी जो कि अनियंत्रित होकर पलटी है, तालाब में पलटी है, जिसमें 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और 30 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अजेंद्र हमें जानकारी दे रहे हैं घटनास्थल से लगातार। अजेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी खबर पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच के जो लोग हैं उनकी मदद करने के आदेश दिए गए हैं। तो यहाँ प्रशासन शासन की तरफ से कौन कौन अधिकारी इस समय मौजूद हैं और कैसे रेस्क्यू का काम किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, जिलाधिकारी और एसपी, एएसपी वगैरह जो भी एडीएम वगैरह हैं, वो सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू लगातार जा घोषणा की है। उसमें 2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को और 50,000 रुपए घायलों को देने की जो बात कही गई है उसको लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट है और लगातार जो मौके पर पहुंच के रेस्क्यू जो चल ही रहा है। उसके अलावा जिला अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं,
कुछ पटियाली जो वहाँ मौके पर जो पास में जो अस्पताल था सरकारी उसमें भर्ती है, तो देख रेख की जा रही है, लगातार निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी जो भी जो घायल है उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। और कई लोगों को बताया जा रहा है कि अलीगढ़ रेफर की करने की बात भी की जा रही है। जी, ये सभी लोग जैथरा इलाके के रहने वाले थे अजेंद्र? जी, जनपद एटा के जैथरा क्षेत्र के रहने वाले ये लोग सभी लोग बताए जा रहे हैं, और एक ही गांव के हो सकता है उसमें रिश्तेदार भी शामिल बताए जा रहे हैं। और ट्रैक्टर ट्रॉली में वर्कर आज जो माघ की जो पूर्णिमा है आज उसमें गंगा स्नान करने के लिए कादरगंज गंगा घाट जो जनपद कासगंज में जो पड़ता है वहाँ स्नान करने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ही ये हादसा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।